हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के, जो कि इस प्रकार से है। तो इसको हम बनाते हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता है ताकि आपका एक नंबर सुनिश्चित हो हर एक एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया है? टू। और पूछ क्या रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है, वैल्यू पुटिंग मेथड इसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका मान कितना दिया है? दो। तो देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या क्या रखा जाए ताकि दो आ जाए। तो सबसे पहले इस एक्स के जगह पर हम वैल्यू वन रखते हैं। देखिए तो एक्स के जगह पर वन रखेंगे तो वन हो जाएगा, प्लस ये वन है तो यहाँ पर भी ले जाइए वन, और एक्स की जगह पर फिर वन रखते हैं तो कितना हो गया आपका? वन बाय वन का मतलब कितना होगा? वन। वन प्लस वन बराबर टू, यानी कि एक्स का मान जब एक रखिएगा तो ये वैल्यू सही से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक्स का मान वन रखते हैं, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, प्लस एक बट्टा एक का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा? एक प्लस एक बटा एक बराबर एक प्लस एक बराबर दो। तो आंसर क्या हो गया? दो। देखिए एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान कितना था? दो। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू वन रखें, एक्स के जगह पर वन, तो देखिए तो यहाँ पर मान सेटिस्फाइड हो गया। और तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक्स के जगह पर वन रखे हैं तो मान आ गया इसका सही से। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू कितना दिया है? दो। पूछ क्या रहा है? एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का मान ये पूछ रहा है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो वही तरीका अपनाते हैं। देखिए x प्लस वन बाय एक्स का मान दो दिया है तो x के जगह पर वन रखिए, तो देखिए मान सेटिस्फाइड होगा कि नहीं। वन प्लस वन बाय वन बराबर दो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी x का मान वन रखिए, वन का क्यूब प्लस वन बाय वन का क्यूब, वन का क्यूब कीजिएगा तो वन, प्लस वन बाय एक का क्यूब कीजिएगा तो एक ही होगा, तो कितना हो गया? एक प्लस एक बराबर दो। तो इसका मान भी कितना आ गया आपका? दो। क्वेश्चन क्या था? x प्लस वन बाय एक्स का मान दो था और पूछ क्या रहा था? एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का वैल्यू पूछ रहा था, तो वही दो आंसर इसका भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बना लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए वहां पर भी यहाँ पर भी वही तरीका है, एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर दो दिया हुआ है और पूछ रहा है एक्स के पावर फोर प्लस वन बाय एक्स के पावर फोर ये पूछ रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए वही वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज कीजिए। एक्स के जगह पर वन का मान वन रखिए तो देखिए मान सेटिस्फाइड होगा, वन प्लस वन बाय वन ये कितना हो जाएगा आपका? एक प्लस एक बराबर दो, मान सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर वन रखिए, वन का पावर फोर प्लस वन बाय वन का पावर फोर ये वन हो गया, प्लस वन बाय वन बराबर दो, यानी कि इसका भी मान कितना होगा? दो होगा। किस प्रकार से बनाए हैं, देखिए यहाँ पर पहले एक्स का वैल्यू चेक किए कि कौन सा वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होता है, वही वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू कितना दिया है? दो। एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया है दो, और पूछ क्या रहा है? एक्स के पावर पाँच प्लस वन बाय एक्स के पावर पाँच पूछ रहा है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो वही पुराना तरीका, सबसे पहले एक्स के जगह पर वन रखिए, देखिए ये मान सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर वन रखिएगा तो एक प्लस एक बटा एक बराबर कितना हो जाएगा? एक प्लस एक बराबर दो,
ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पर एक के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाइड है। तो देखिए उसी यही एक को यहाँ पर भी रखिए आप, तो एक का पावर 5 प्लस 1/1 का पावर 5 ये हो गया। अब देखिए 1 का पावर 5 रहेगा तो मान 1 ही होगा, प्लस 1/1 के पावर 5 है इसका भी मान 1 होगा। तो देखिए 1 + 1 यानी कि 2, तो x^5 + 1/x^5 इसका मान कितना होगा 2। सेम तरीका है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले देखिए किस वैल्यू के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है, अब वही वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, सिंपल सा बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए देखने से लगता होगा कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखने से लगता है x + 1/x का मान 2 है और पूछ रहा है x^125 / 1/x^125। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए x जो है उसका मान पहले क्या रखने पर 2 होगा, तो x का मान 1 रखिए, यहाँ पर भी x का मान 1 रखिए। अब देखिए 1 + 1/1 बराबर कितना होगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, यहाँ पर x का मान जब 1 रखिएगा तो यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। तो उसी देखिए तो उसी 1 को यहाँ पर पुट कीजिए, तो 1 का पावर 125 + 1/1 का पावर 125। देखिए ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है, 1 का पावर कुछ भी रहे तो वो 1 ही होगा। ठीक है, प्लस 1/ इसका भी देखिए 1 का पावर कुछ भी रहे तो वो 1 होगा, 1 + 1 = 2। तो आंसर 2 आ गया, x^125 + 1/x^125 का मान कितना होगा, 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, सेम तरीका है, यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर भी क्या है, x + 1/x का मान कितना दिया है 2, x + 1/x का मान दिया है 2। तो इस टाइप का जो भी रहेगा वहाँ पर x के जगह पर अगर 1 रखिएगा तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगा। देखिए यहाँ पर देखिए इक्वेशन में जब यहाँ पर रखिएगा 1 + 1/1 = 2। यहाँ पर क्या होगा, देखिए x का जगह पर 1 रखते हैं, x^500 यानी 1^500 + 1/1 का पावर 500। तो हम जानते हैं कि 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका मान 1 ही होता है। देखिए 1 का पावर 500 है तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा 1, प्लस 1/1 का पावर 500 है तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा 1, तो 1 प्लस यहाँ पर 1/1 का मतलब कितना होगा 1, 1 = 2। तो यहाँ पर देखिए 1/500 + 1/x^500 का मान कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स का पावर जब हम 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इस एक्स का मान 1 यहाँ पर भी पुट कीजिएगा तो इसी से आंसर निकलेगा। तो हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x + 1/x का मान 2 दिया हुआ है। तो देखिए x का मान जब हम 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन पूरा तरीका से सेटिस्फाइड हो जाता है, 1 + 1/1 = 2 देखिए 2 आ जाता है, यानी कि ये सेटिस्फाइड होता है। तो इसी x को हम यहाँ पर भी पुट करते हैं इस इक्वेशन में, जब इस इक्वेशन में इस x के मान 1 को पुट करेंगे तो देखिए 1/256 + 1/256, देखिए 1 का पावर कुछ भी रहे तो क्या होता है 1 होता है, प्लस 1/1 का पावर कुछ भी रहे तो फिर वो 1 होगा। तो यानी कि 1 + 1 = 2। तो देखिए 1/256 + 1/x^256 का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो सेम इसी तरीका से सबसे पहले वैल्यू को जो भी वैल्यू सेटिस्फाइड होगा उस वैल्यू को निकालिए, उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, आंसर तुरंत खट से आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है,
देखिए एक्स का वैल्यू चेक कीजिए, एक्स का मान जब हम एक रखेंगे तो ये इक्वेशन पूरा तरीका से सेटिस्फाइड हो जाएगा। यानी देखिए रख के, वन प्लस वन बट्टा वन बराबर वन प्लस वन बराबर टू, यानी कि एक्स का मान जब हम एक रखते हैं तो ये इक्वेशन पूरा तरीका से सेटिस्फाइड हो जाता है। अब देखिए इसी एक्स का मान एक को इस इक्वेशन में रखिए, तब देखिए मान आएगा एक्स के पावर 980 प्लस एक बटा एक का पावर 980। तो देखिए एक का पावर जब 980 है तो इसका मान कितना होगा, एक का पावर कुछ भी रहे तो वो उसका मान होता है एक, प्लस एक बटा एक का पावर कुछ भी रहे उसका मान होगा एक। देखिए अब क्या हो गया आपका, एक प्लस एक बराबर दो, दो आंसर हो गया। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी देखिए एक्स का वैल्यू वन पुट कीजिए तो ये इक्वेशन पूरा तरीका सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक्स का पावर एक रखते हैं, एक्स का मान एक रखते हैं, तो एक का पावर 155, एक का पावर 155 प्लस एक का पावर, एक का पावर 155। तो देखिए एक का पावर कुछ भी रहे तो वो उसका मान कितना होगा, एक होगा। यहाँ पर भी एक बट्टा एक बराबर इसका मान दो हो गया, यानी कि इस पूरे इक्वेशन का मान कितना हो गया, दो। तो इसी प्रकार से पहले वो वैल्यू चेक कीजिए जिस वैल्यू पर इसका मान सेटिस्फाइड होगा, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, उसके बाद मान आ जाएगा। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।